गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल. माय सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जियोलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी. इन द लेक्चर सीरीज ऑफ एंटोमोलॉजी टुडे आई विल डिलीवर माय टॉक ऑन एब्जॉर्प्शन and regulation of digestive food substance. एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में एलिमेंट्री कैनाल में पचे पदार्थ का, पचे भोजन का कैसे अवशोषण होता है और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इन दो एस्पेक्ट में मैं आज का व्याख्यान कवर करूँगा. पिछले व्याख्यान में मैंने दो एस्पेक्ट कवर किए थे. एक तो सेलिवेशन, यानी इंसेक्ट में सेलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी है, सलाइवा का सिक्रीशन कैसे होता है, सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, और सेकंड जो पार्ट था वो डाइजेशन का था, वो मैंने आपसे शेयर किया था. और इंसेक्ट में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें सबसे आगे स्टोमोडियम या फोरगट, उसके बाद में मिड गट या मेजेंट्रॉन, और लास्ट में हाइंड गट या प्रोक्टोडियम. तो इंसेक्ट में स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम जो होती है वो क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है, क्योंकि ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन है और इंटेगमेंट की इन्वेजिनेशन हो जाते हैं. यहाँ पर इन्वेजिनेशन होने से इनकी भीतरी तरफ क्यूटिकल का बहुत ही पतला आवरण पाया जाता है, और क्यूटिकल के आवरण पाए जाने के कारण फोरगट और हाइंडगट में जनरली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जनरली डाइजेशन नहीं होता है. केवल मिडगट वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. लेकिन इंसेक्ट में मिडगट जो होती है, मिडगट के अंदर कई बार स्पेशल पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होती है वो बन जाती है, और पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया दो तरीकों से डेवलप हो सकती है. एक तो मोल्डिंग के द्वारा, जिसे मिडगट की एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा फ्लूड सीक्रेट होता है, और वो फ्लूड सीक्रेट एक पाइपनुमा सांचे के अंदर ढल जाता है, और उसके कारण पूरी मिडगट के अंदर एक पाइप जैसी रचना बन जाती है, जिसको पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है. और कुछ इंसेक्ट में डीलेमिनेशन के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मिडगट की पूरी जो एंडोथीलियम है वो एक पूरी लेयर के रूप में डीलेमिनेट हो जाती है. तो मिडगट के पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन मॉल्टिंग के द्वारा भी हो सकती है और डीलेमिनेशन के द्वारा भी हो सकती है. अब इस पेरियोट्रॉफिक मेम्ब्रेन के कारण मिडगट में दो स्पेस डेवलप हो जाते हैं, एक दो बीच वाला, इसको बोलते हैं एंडो पेरियोट्रॉफिक स्पेस, और इसके जस्ट बाहर एक्टो पेरियोट्रॉफिक स्पेस. अब इंसेक्ट में जब भोजन जैसे माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से फेरिंक्स में आएगा, फेरिंक्स से इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस से क्रोप में आएगा, और क्रोप और मिडगट के बीच में स्टोमोडियल वाल्व होता है. ये स्टोमोडियल वाल्व धीरे धीरे खुलता है और भोजन क्रॉप से फिर मिडगट की तरफ ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है. अब मिडगट में पहला जो डाइजेशन होता है, फर्स्ट स्टेप का डाइजेशन, वो इस एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में संपन्न होता है, और इस एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब ये छोटे मॉलिक्यूल इस एंडोपेरियोट्रॉफिक स्पेस से भेद कर फिर एक्टोपेरियोट्रॉफिक स्पेस में आते हैं. यहाँ पर इनका सेकेंड स्टेप का डाइजेशन होता है, और सेकेंड स्टेप का डाइजेशन होने के दौरान ये मॉलिक्यूल और छोटे हो जाते हैं. अब ये मॉलिक्यूल एंटीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका में एंटर करते हैं, और गैस्ट्रिक सीका में जो सेल्स होती है उसमें माइक्रोलाई होती है हज़ारों की संख्या में, और इन माइक्रोक्यूलाई के ऊपर एंजाइम्स पाए जाते हैं स्पेशल, जिनको ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है. तो फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इससे गैस्ट्रिक सीका में होता है, और गैस्ट्रिक सीका में अवशोषण भी होता है. अवशोषण के इस डायग्राम मैंने दिखाया, अलग अलग जगह अलग अलग एब्जॉर्प्शंस है. आप इस फिगर में देख रहे हो फोरगट के अंदर कोई एब्जॉर्प्शंस नहीं है, क्योंकि पूरी फोरगट का इंटीरियर पार्ट होता है वो क्यूटिकल के द्वारा रेखित होता है. क्यूटिकल हार्ड होती है, इम्परमिएबल होती है, इसलिए क्रॉप के अंदर किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शंस नहीं होगा. लेकिन मिडगट में आप देख रहे हो एब्जॉर्प्शन हिपेटिक सीका में भी हो रहा है, मिडगट के एंटीरियर पार्ट में भी हो रहा है, मिडगट के पोस्टीरियर पार्ट में भी हो रहा है. इसके अलावा मेलपिजियन ट्यूबुल जो है मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट पर, इन मेलपिजियन ट्यूबुल्स में हिमोलिम्फ के द्वारा अब्सॉर्प्शन हो रहा है. इससे
हाइंड गट के अंदर रेक्टम में क्या होता है, स्पेशल रेक्टल पैड्स पाई जाती है, रेक्टल गदियाँ पाई जाती है। तो जिन इंसेक्ट्स में वाटर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम रहती है, पानी की डिमांड ज़्यादा रहती है बॉडी में, उनमें रेक्टम के अंदर जो यूरिन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर भी यदि वही वाटर मॉलिक्यूल है उनका अवशोषण इस रेक्टल पैड में हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट जैसे मैंने दिखाया है, लेकिन इससे पहले मैं जैसे फूड मेन जो फूड कंपोनेंट है इंसेक्ट में, वो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होती है, न्यूक्लिक एसिड्स भी होता है, इसके अलावा एबनॉर्मल फूड सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें जैसे बाल भी खा जाते हैं इंसेक्ट, केराटिन है, जैसे सेलुलोज भी खा जाते हैं, ये कॉलेजन फाइबर्स भी खा जाते हैं, चमड़ा खाते हैं तो चमड़े के अंदर कॉलेजन है, ऊन भी खा जाते हैं। तो नॉर्मल फूड सब्सटेंस तो है ही, उसके अलावा इसमें एबनॉर्मल फूड सब्सटेंस भी होता है। कई जो ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट है वो ब्लड को जैसे एज ए फीडिंग मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चार फूड मटेरियल का आपके साथ जिक्र करूँगा। एक तो कार्बोहाइड्रेट, उसके प्रोडक्ट क्या है, उनका अवशोषण कैसे होता है, प्रोटीन, उसके प्रोडक्ट क्या है, उनका अवशोषण कैसे होता है, और फैट, इसके प्रोडक्ट क्या है, इनका अवशोषण कैसे होता है। इसके अलावा पानी और मिनरल्स, इनका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और लास्ट में फिर इनका रेगुलेशन कैसे होता है, क्या अवशोषण के लिए, डाइजेशन के लिए कोई नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, क्या अवशोषण के लिए कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उत्तरदायी हैं। तो आज का जो व्याख्यान है वो दो पार्ट में मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट पार्ट में एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, और सेकेंड पार्ट में इसका रेगुलेशन। अब क्वेश्चन है कि अवशोषण क्या है। जैसे डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, डाइजेशन एक जटिल बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपल सॉल्युबल और अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये प्रक्रिया डाइजेशन कहलाती है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन वह बायोकेमिकल या वह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स का एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा हीमोलिप में डिफ्यूजन के द्वारा या और किसी विधि के द्वारा ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर की विधि अवशोषण कहलाती है। अब ये अवशोषण जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, ऑस्मोसिस के द्वारा भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, एड्सॉर्प्शन के द्वारा भी हो सकता है, हाइड्रोट्रॉफी के द्वारा भी हो सकता है, कई तरह के मैकेनिज्म है, वो डिपेंड करती है कि सब्सटेंस कैसा है, सब्सटेंस की कंस्टिट्यूशन कितनी है, सब्सटेंस की हीमोलिम्फ में कंस्टिट्यूशन कितनी है, और एलिमेंट्री कैनाल और हीमोलिम्फ के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, कई बातों पे ये अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है। तो सिंपली अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन के जो अंतिम उत्पाद है, एंड प्रोडक्ट है, उनका बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इसमें मेन जो फूड जो स्टेप्स हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्ट में मेन जो फूड स्टेप्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अलावा पानी, मिनरल्स और आयंस, इसके अलावा नॉर्मल प्रोडक्ट भी, क्योंकि पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनके फूड में केराटिन भी होता है, कॉलेजन भी होता है, इलास्टिन भी होता है, कई बार जीनोबायोटिक कंपाउंड है वो भी ये खाते हैं, मैन मेड प्रोडक्ट है, केमिकल्स हैं वो भी इनकी बॉडी के अंदर फीडिंग डाइट के द्वारा जैसे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होगा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये डाइजेशन के अंत में मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं,
मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मोनोसैकेराइड में मेनली ग्लूकोज, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, डाइसैकेराइड भी हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के एक्शंस के द्वारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो लास्ट के अंदर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो मेन प्रोडक्ट है। अब ग्लूकोज का क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा। इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो, ग्लूकोज का अवशोषण मिडगट के एंटीरियर पार्ट में हो रहा है, हिपेटिक सीका में हो रहा है, इसके अलावा रेक्टम के अंदर भी अवशोषण हो रहा है। अब चूंकि इनकी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में ही होती है, क्योंकि भोजन तो फॉरगट से मिडगट में प्रवेश कर रहा है, और मिडगट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के कारण ग्लूकोज की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी वो मिडगट के अंदर ही होती है। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के द्वारा, क्योंकि इसके बाहर जो हीमोलिम्फ है उसके अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन कम है, तो मिडगट के द्वारा जितना भी ग्लूकोज होगा वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट से हिपेटिक सीका से डिफ्यूजन के द्वारा हीमोलिम्फ के अंदर प्रवेश करेगा। अब जो ही ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोलिम्फ में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर एडिपोज सेल्स भी होती है, एडिपोज कोशिकाएं, और ये एडिपोज कोशिकाएं क्या करती है, ये जितने भी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको ये ट्रिहेलोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिहेलोज, और ट्रिहेलोज है ये एक तरह से इंसेक्ट की स्पेशल शुगर होती है। अब जितना भी ग्लूकोज मिडगट के अंदर डाइजेशन से बना था वो सारा का सारा ग्लूकोज हीमोलिम्फ के अंदर डिफ्यूज हो गया, और हीमोलिम्फ में डिफ्यूज होते ही वहाँ पर एडिपोज कोशिकाएं होती है, वो एडिपोज कोशिकाएं इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगी, ट्रिहेलोज के अंदर। इसलिए हीमोलिम्फ में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मेंटेन हो ही नहीं पाती है, वहाँ पर ग्लूकोज की हमेशा कमी बनी रहेगी, ग्लूकोज की हमेशा स्कर्सिटी बनी रहेगी। अब हीमोलिम्फ में जब ग्लूकोज के कंसंट्रेशन मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, और उस केस में क्या होगा, मिडगट के अंदर कंसंट्रेशन चूंकि ज़्यादा है तो ये डिफ्यूजन के द्वारा आसानी से मिडगट से हीमोलिम्फ के अंदर ये शिफ्ट होते रहते हैं। तो ग्लूकोज का जो अवशोषण होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सामान्य मिश्रण के द्वारा होता है, और डिफ्यूजन जैसे आप जानते हो कि डिफ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स और आयन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू इट्स इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी। इस डिफ्यूजन में कोई एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं है, ग्लूकोज स्वयं की सांद्रता के कारण, स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवर्तित होता है। तो ये तो रही बात ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन की, तो कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण होगा ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होगा, और जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोलिम्फ में ट्रांसफर हो गए वहाँ पर एडिपोज कोशिकाओं के द्वारा इस ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिहेलोज में हो जाता है, और हीमोलिम्फ में ग्लूकोज की हमेशा कंसंट्रेशन है मिनिमम बनी रहती है, और एक तरह से यू मान के चले कि एक तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डेवलप हो जाता है। तो मिडगट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हिपेटिक सीका में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हीमोलिम्फ में कंसंट्रेशन कम है। इसके बाद में सेकेंड फूड स्टफ दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन आप जानते हो कि प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एमिनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन आप इस फिगर में देख रहे हो, मिडगट के एंटीरियर पार्ट में एमिनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, हिपेटिक सीका में एमिनो एसिड का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, और हीमोलिम्फ से मेलपिजियन ट्यूबुल में एमिनो एसिड का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, और रेक्टम के अंदर भी एमिनो एसिड्स का अब्सॉर्प्शन हो रहा है। अब ये एमिनो एसिड का जो अब्सॉर्प्शन होता है ये डिपेंड करता है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये डी टाइप के एमिनो एसिड हैं या एल टाइप के एमिनो एसिड्स हैं,
तो जनरली ये पाया गया कि एल टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एल का मतलब लेवोरोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड या सिनिस्ट्रल या एंटी क्लॉकवाइज, तो एल प्रतिरूप जो होंगे उन एमिनो एसिड का अवशोषण डी प्रतिरूप की तुलना में तेजी से होता है, जल्दी होता है। डी का मतलब डेक्स्ट्रल, डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी फॉर राइट हैंडेड, क्योंकि भोजन के अंदर तो एल और डी दोनों प्रतिरूप ही पाए जाएंगे, लेकिन एल प्रतिरूप जो होते हैं उनका अवशोषण डी प्रतिरूप की तुलना में तेजी से होता है और ज़्यादा होता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें जैसे सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, अब इसके हिमोलिप में ग्लाइसिन और सेरिन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होती है। दो एमिनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन और दूसरा एमिनो एसिड्स है सेरिन, तो ग्लाइसिन और सेरिन की कंसंट्रेशन इनके हिमोलिप में पहले से ही ज़्यादा होती है, और इनका जो अवशोषण होता है वो इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ एमिनो एसिड का जो अवशोषण होगा वो डिफ्यूजन विधि के द्वारा होता है, कुछ एमिनो एसिड का अवशोषण एटीपी के द्वारा कपल्ड भी हो सकता है, उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है, लेकिन इसमें कॉन्फिगरेशन एक मेन फैक्टर है। एल प्रतिरूप डी प्रतिरूप की तुलना में तेजी से अवशोषित होंगे, अणुभार पे भी डिपेंड करता है, जिन एमिनो एसिड्स का अणुभार कम होगा उनका अवशोषण पहले होगा, जिनका अणुभार ज़्यादा होगा उनका अवशोषण बाद में होगा, और ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स एलिमेंट्री कैनाल से हिमोलिम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और हिमोलिम में इनका फिर बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है एनाबोलिक एक्टिविटी के लिए। तो एमिनो एसिड्स का एसिमिलेशन होगा और ये एमिनो एसिड्स वापस बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में, ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्मेशंस के रूप में इनका जो अगेन है वो यूटिलाइजेशन हो जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है फैट, फैट का जब डाइजेशन होता है, पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया था कि फैट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो दो कैटेगरी के हैं, एक तो लाइपेज कैटेगरी के होते हैं, एक एस्ट्रेज कैटेगरी के होते हैं। लाइपेज कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर लंबी फैटी एसिड श्रृंखलाओं वाली वसाओं का पाचन करते हैं, और एस्ट्रेज जो होते हैं वो छोटी कार्बन श्रृंखलाओं वाले फैटी एसिड्स का डाइजेशन करते हैं। अब वसाओं का जब पाचन होता है तो इसके अंदर फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल्स बनते हैं। ग्लिसरॉल का जो अवशोषण है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है, माइसेली के द्वारा हो सकता है। अब इसके अंदर अवशोषण के समय जितनी भी लिपिड के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो फॉस्फोरिलेटेड होंगे, यानी वो एटीपी के द्वारा कपल्ड होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप उनके साथ अटैच होता है, तो वसा के जितने भी अंतिम उत्पाद हैं उनका जब अवशोषण होगा तो वो फॉस्फोरिलेटेड रूप में होता है, और अवशोषण के बाद में जो ही ये प्रोडक्ट हिमोलिम्फ में चले जाएंगे इनका फॉस्फोरिल ग्रुप जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, और ये घटना डीफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। इसलिए वसाओं के जो प्रोडक्ट होंगे, फैट के जो प्रोडक्ट है, इनका अब्जॉर्प्शन तो होता है फॉस्फोरिलेटेड रूप में, एब्जॉर्प्शन इन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, और अवशोषण होने के बाद में ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये वापस डिटैच हो जाता है या रिमूव हो जाता है, और ये घटना कहलाती है डीफॉस्फोरिलेशन। तो वसाओं के अंतिम उत्पाद के अवशोषण में दो प्रक्रियाएं, दो परिघटनाएं निरंतर चलती रहेगी, फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन। अवशोषण हो रहा है उसमें फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में अवशोषण होगा, और अवशोषण होने के बाद में फॉस्फेट ग्रुप होता है वो रिलीज हो जाता है, ये घटना डीफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और फैट का जो अब्जॉर्प्शन है ये अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग रीजन्स में होता है, जैसे कॉकरोच की यदि अपन करें बात करें तिलचट्टे के अंदर, तो तिलचट्टे के अंदर वसा का जो मैक्सिमम अवशोषण होता है वो मिडगट के एंटीरियर पार्ट में होता है और हिपेटिक सीका में होता है। सो इन कॉकरोच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट प्रोडक्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन एंटीरियर रीजन ऑफ मिडगट एंड इन हिपेटिक सीका। इसके अलावा ब्लोफ्लाई जो होती है, ब्लोफ्लाई की लार्वा,
ब्लोफ्लाई में फैट प्रोडक्ट का अवशोषण मिडगट के पोस्टीरियर पार्ट में होता है. इन ब्लोफ्लाई एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट आर एब्जॉर्ब इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट. इसके अलावा जितने भी मॉस्किटोज हैं जैसे क्यूलक्स है मान लीजिए, एनोफ्लीज हैं, इनके अंदर फैट प्रोडक्ट का जो अवशोषण होगा ये मिडगट के मिडिल लीजन में होता है. ये जैसे मिडगट है पूरा, ये मिडगट का एंटीरियर पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया. तो मिडगट का जो मिडिल पार्ट है दिस जोन, इस जोन के अंदर अवशोषण होगा. किसके अंदर? मच्छरों के अंदर, विशेषकर क्यूलेक्स के अंदर, एनोफ्लीज के अंदर. और लास्ट में वाटर, मिनरल्स, आयंस, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म का 80% जो पार्ट है वो पानी होता है. ये पानी सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, सेल के बाहर भी प्रेजेंट है. सेल के अंदर है तो ये प्रोटोप्लाज्म के रूप में है, सेल के बाहर है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में है. और आयनों का वितरण है वो भी एसिमेट्रिकल होता है. नॉर्मल केस में तो क्या होता है, हर सेल के बाहर सोडियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, सेल के अंदर सोडियम आयनों की सांद्रता कम होती है. इसी तरह पोटेशियम आयनों की सांद्रता सेल के अंदर ज़्यादा होती है, सेल के बाहर कम होती है. तो हर आयनों का अपना अपना कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट अपने आप मेंटेन रहता है और आयनों का वितरण जो होता है वो असमान होता है चाहे कोई भी एनिमल्स हो. ये नहीं कि सेल के अंदर 1000 सोडियम आयन है और सेल के बाहर भी 1000 सोडियम आयन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एसिमेट्रिकल होता है, इरेगुलर होता है, क्योंकि हर सेल को अपना अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन करना. जनरली सेल के बाहर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सेल के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज मिलेगा. और इन सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये -70 mV होता है. यदि आयनों का वितरण गड़बड़ा जाएगा तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये डिस्टर्ब हो जाता है. कई बार देखा गया है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से बढ़ के मान लीजिए -120 हो गया है, या +20 हो गया, +30 हो गया है, या जीरो हो गया. जीरो पोटेंशियल इट मीन्स सेल की डेथ हो गई है. आदमी की डेथ होती है, किसी भी एनिमल की डेथ होती है, उसमें यदि उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल यदि अपन नापें तो वो हमेशा जीरो मिलेगा. तो बॉडी में जिन सेल्स में जीरो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट मीन्स वो सेल निष्क्रिय हो गई है, उस सेल की डेथ होने वाली है. तो आयनों का वितरण असमान बना रहे, पानी का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सेल के बाहर और सेल के बाहर मेंटेन रहे, इसलिए इसके अलग अलग पार्ट्स में इसका अलग अलग अवशोषण होता है. फोरगट के अंदर किसी भी चीज़ का अवशोषण नहीं होगा, न तो यहाँ डाइजेशन होता है न अवशोषण होता है, क्योंकि पूरे फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग है. हाँ, कई बार इसमें डाइजेशन होता है. वो डाइजेशन कैसे होगा? मिडगट के एंजाइम्स कई बार रीगर्गीगेशन के द्वारा फोरगट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. तो रीगर्गीगेशन द्वारा जो एंजाइम्स इस क्रॉप में आए हैं वो एंजाइम पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर संपन्न करता है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन मिडगट के अंदर संपन्न होगा. और आप इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो पानी का अवशोषण मिडगट के एंटीरियर पार्ट में है, दिस वन. पानी का अवशोषण हिपेटिक सीका के द्वारा भी हो रहा है, पानी का अवशोषण मिडगट के पोस्टीरियर पार्ट में भी हो रहा है, और पानी का अवशोषण मेलपीजन नलिकाओं में हीमोलिम्फ के द्वारा भी हो रहा है. पानी का अवशोषण रेक्टम के अपर पार्ट में होता है, पानी का अवशोषण रेक्टम के अंतिम पार्ट्स में भी होता है. तो जनरली अपन कह सकते हैं कि पानी का जो अवशोषण होगा वो फोरगट में नहीं होगा, मिडगट के अंदर मैक्सिमम होता है, इसके अलावा रेक्टम के अंदर भी होता है, और मेलपीजन ट्यूबल में हीमोलिम्फ से अब्जॉर्प्शन होता है. मेलपीजन ट्यूबल से पानी हीमोलिम्फ में नहीं जाएगा, हीमोलिम्फ से पानी के मॉलिक्यूल मेलपीजन बॉडी के अंदर, मेलपीजन ट्यूबल के अंदर प्रवेश करता है. तो ये तो रही अवशोषण की बात. तो यहाँ पर सारे फूड पार्टिकल्स का मैंने जिक्र किया है, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होता है, एंड प्रोडक्ट क्या है, और किस किस भाग में इनका अवशोषण है. इसी तरह प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट क्या है,
प्रोटीन का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है और फैट के एंड प्रोडक्ट क्या है, फैट का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है और वाटर मिनरल आयंस इनका अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। अब इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था एब्जॉर्प्शन, सेकंड पार्ट इज रेगुलेशन। अब डाइजेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, हैं अवशोषण का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके पीछे दो लॉजिक है। कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि अवशोषण का नियंत्रण, डाइजेशन का अवशोषण नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, इसको अपन न्यूरल रेगुलेशन के नाम दे सकते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हार्मोन्स के द्वारा होता है, कुछ ये कहते हैं कि फूड के अंदर ऐसे स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनको सीक्रेटोगोग केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टिमुलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन क्रिया को प्रेरित करते हैं। लेकिन बेसिकली इस रेगुलेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूरल रेगुलेशन या तंत्रिकाओं के द्वारा होने वाला नियंत्रण, और सेकेंड पार्ट इसका हो जाएगा हार्मोनल या एंडोक्राइन रेगुलेशन। तो न्यूरल रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन, इन दोनों ही एस्पेक्ट में मैं बहुत शॉर्ट में आपसे शेयर करूँगा। अब मान लीजिए भोजन है, यहाँ से जैसे एंटर कर रहा है, सपोज भोजन सबसे पहले माउथ के अंदर एंटर करेगा, माउथ से ये फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ये इसोफेगस में आएगा, और इसोफेगस से ये भोजन क्रॉप के अंदर एंटर करता है। अब क्रॉप है ये डायलेटेड पार्ट है, स्टोमोडियम का डायलेटेड पार्ट है, इसमें फैलने की कैपेसिटी है, इसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी है, लेकिन ये कैपेसिटी एक लिमिट तक है। तो जब भोजन माउथ के द्वारा फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के द्वारा इसोफेगस में आया, इसोफेगस से ये जब क्रॉप में आया, तो भोजन जब क्रॉप में एंटर करता है तो क्रॉप जो होती है वो एक्सपेंड होती है, क्रॉप है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। अब क्रॉप जब एक्सपेंड होगी तो इसकी सरफेस में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तन्यग्राही। और क्रॉप में जब प्रसार होता है, डायलेशन होता है, स्ट्रेच होता है, तो इसकी सरफेस में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो इम्पल्स को कहाँ भेजेंगे, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन से सीधी इम्पल्स फिर दूसरी तरह की मांसपेशियों में आएगी। तो वो इसको रेगुलेट करती है कि भोजन को क्रॉप से मिडगट में ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। और जनरली इसके पीछे एक कंसेप्ट है, फोरगट से मिडगट में भोजन का जो ट्रांसमिशन होगा, अब यहाँ पर एक वाल है स्टोमोडियल वाल, स्टोमोडियल वाल जो जो खुलता है भोजन क्रॉप से मिडगट के अंदर एंटर करता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है फूड का, वो उसके कंसंट्रेशन के हमेशा विलोमानुपाती होगा। मान लो क्रॉप के अंदर फूड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन यदि कम है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि कम है, कंसंट्रेशन यदि कम है तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कम होगा, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन होता है। तो न्यूरल इम्पल्स यहाँ पर आती है, स्टोमोडियल वाल खुलता है और भोजन फोरगट से मिडगट के अंदर ट्रांसफर होता है, और उसके बाद मिडगट में इसका डाइजेशन हो जाएगा। अब सेकंड जो पार्ट है इसका हार्मोनल रेगुलेशन। अब क्वेश्चन है कि हार्मोन कब सिक्रीट होंगे, किन कंडीशंस में सिक्रीट होंगे। अब इसके पीछे एक ऐसा मानते हैं कि फूड पार्टिकल्स में, फूड स्टफ के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं सीक्रेटोगोग केमिकल्स। सच केमिकल्स आर कॉल्ड
एज सिक्रीटोगोग केमिकल्स। सिक्रीटोगोग केमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो लार ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं, सलाइवा के सिक्रेशन को प्रेरित करते हैं और भोजन के अवशोषण को प्रेरित करते हैं। कई बार अपने भी देखा होगा, अपन ह्यूमन जब आप मान लीजिए भोजन कर रहे हो सपोज, और उस केस में सब्जी फीकी है, मान लो एकदम फीकी है, उस केस में लार का सिक्रेशन नहीं होगा, लेकिन जो ही सब्जी में आप थोड़ा सा नमक जैसे डालोगे और नमक डालने के बाद में सब्जी को आप खाते हो, हैं आपके माउथ के अंदर लार का सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो एक तरह का स्टिमुलेटिंग एजेंट है। उसी तरह इंसेक्ट में भी भोजन के अंदर ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन क्रिया को प्रेरित करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिक्रीटोगोग केमिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर कई तरह के ग्लैंड्स हैं इंसेक्ट में, हैं जिसमें ये चैप्टर अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कॉर्पोरा कार्डियका होती है, कॉर्पोरा एलाटा होती है, प्रोथोरसिक ग्लैंड होती है, रिंग ग्लैंड होती है। इसके अलावा और छोटी छोटी ग्लैंड्स कई हैं, कम से कम 10-12 तरह की ग्रंथियाँ होती है, 10-12 तरह के हार्मोन्स इंसेक्ट में स्रावित होते हैं। उन्हें कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो अवशोषण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एक नेट सेल में आज के व्याख्यान के दो पार्ट मैंने कवर किए हैं, एक तो इसका एब्जॉर्प्शन, सेकेंड पार्ट इसका रेगुलेशन। और इस पूरे इंटायर चैप्टर में 4 सब डिवीजन थे। पहला जो पार्ट था वो सेलिवेशन के नाम से था, वो मैंने आपसे शेयर किया है। सेकेंड जो पार्ट था वो डाइजेशन के नाम था, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट हैं इनका अवशोषण कैसे होता है, ये थर्ड पार्ट है इसका। और पूरे इस इंटायर सिस्टम का नियंत्रण कैसे होता है वो इसका लास्ट पार्ट है। तो ये एक नट सेल में बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में ये मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है, और आशा करता हूँ कि आपके व्याख्यान ये समझ में आया होगा। और इस डायग्राम को आप जरूर याद रखें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। और इसके अंदर पूरी एलिमेंट्री कैनाल को मैंने 3 पार्ट में दिखाया है। दिस इज स्टोमोडियम या फोर गट, हिपेटिक रसिका से मेलपिजियन ट्यूबल्स तक मिड गट या मेजेंट्रॉन, और मेलपिजियन ट्यूबल के बाद में एनस तक का जो पार्ट है हाइंड गट। तो पूरी आर्नाल 3 जोन में डिवाइड है, फोरगट या स्टोमोडियम, मिडगट या मिजेंट्रॉन, हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। किस पार्ट में कैसे डाइजेशन होगा, कैसे ट्रांसमिशन होगा, और इस मिडगट में काउंटर करंट सिस्टम है एस्टेब्लिश होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो एंडोपेरिट्रोपिक स्पेस में इसमें भोजन जा रहा है आगे से पीछे की ओर, और ये भोजन फिर एंडोपेरिट्रोपिक स्पेस से एक्टोपेरिट्रोपिक स्पेस में एंटर करता है, और एक्टोपेरिटोप स्पेस में भोजन फिर पीछे से आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब आप देख रहे हो बीच में तो भोजन जा रहा है आगे से पीछे, ऊपर वाले कैनाल में भोजन आ रहा है पीछे से आगे। तो ये एक तरह से काउंटर करंट सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप हो गया है, और लास्ट में ये फिर हेपेटिक सीका में प्रवेश करेंगे। यहाँ इसका टर्मिनल डाइजेशन होता है, फाइनल डाइजेशन होता है, ब्रूस वर्डर एंजाइम्स के द्वारा इसका डाइजेशन होता है, और ये डिफ्यूजन के द्वारा हीमोलिम्फ के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। और हीमोलिप में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हर फूड स्टफ्स का, हर आयंस का, हर मिनरल्स का, पानी के मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा एसिमेट्रिकल होगा। कभी भी पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर, सेल के बाहर बराबर नहीं होंगे। कभी भी सोडियम पोटेशियम सेल के अंदर, सेल के बाहर बराबर नहीं होंगे। इनका असमान वितरण का बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के उत्तरदायी है, और हर सेल का जो विभवांतर है वो -17 मिलीवोल्ट होना चाहिए। यह आप ध्यान रखो, कोई भी लिविंग सेल्स हो, हर सेल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, इट मीन्स आपकी सेल हेल्दी है, आपकी सेल में आयनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल है। और जब भी आयनों का वितरण एबनॉर्मल हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, -70 से -80 हो जाता है, -90 हो जाता है, -70 से -10 हो जाता है, 0 हो जाता है, प्लस में भी हो जाता है। ये सारा आयनों का खेल। तो इसी के साथ मैं एक बार आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।
और एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर सेक्टर में इसकी डिमांड है, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में, इंसेक्टिसाइड की फैक्ट्री में, लॉकस डिपार्टमेंट में, मलेरिया डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक साइंस में, वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर, तो हर ZSI के अंदर, टैक्सोनॉमिस्ट में, टीचिंग प्रोफेशन में, एग्रीकल्चर में, सब जगह इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, अपने जो टीचर्स कम्युनिटी है, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ में अंत में आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, हाईली थैंकफुल टू यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।